हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अगेन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ब्लैक कलर के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती की शॉपिंग की थी, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड तो नहीं था बट प्रिंटेड था। और अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड चाहते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं था, आप उसको ऑर्डर नहीं करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटेड में भी आपको अच्छा लग रहा तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में प्रिंटेड बाद में लिखा हुआ था, जो कि इतना हाईलाइट ही हो रहा था, और उसके नेम में मेन नेम में एम्ब्रॉयडर्ड लिखा हुआ था, जो मैंने ब्लैक वाले कुर्ती के वीडियो डाली है वो। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि वो जो कुर्ती था वो मैं वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ तो उसे प्रॉपरली चेक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे एक हाथ से वीडियो भी बनाना होता है। लेकिन मैंने बाद में जब उसे चेक किया तो मैंने देखा कि उसमें एक इतना बड़ा सा होल था, इतना सा उसमें कट तो नहीं था, वो एक्चुअली वो लग रहा था कि होल है इतना बड़ा सा, जो कि देखने में नहीं पता चल रहा था। लेकिन जब मैं उसे चेक कर रही थी तो मेरा हाथ उसके पीछे गया तो मुझे पता चल गया कि वहाँ पे होल है। तो मैंने एक्चुअली उसे रिप्लेसमेंट के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे वो कुर्ती पसंद आई, ऑल्दो कि वो एम्ब्रॉयडर्ड नहीं था बट स्टिल मुझे वो पसंद आया। फ्रेंड्स, मैंने एक साथ तीन कुर्ती की शॉपिंग की थी। एक कुर्ती मुझे कल मिला और आज मैंने रिप्लेसमेंट के लिए दिया, तो आज वो रिप्लेसमेंट के लिए चला भी गया। तो डिलीवरी सर्विस तो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, डिलीवरी से मुझे ये पार्सल आया है, लेकिन वो है कि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था तो मैंने उसे रिप्लेसमेंट के लिए भेजा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं खोला है, मुझे अभी ही मिला है इवनिंग में, तो मैंने इसे बिल्कुल भी अनबॉक्सिंग नहीं की है इसकी। आप देख सकते हैं ये वैसे ही पैक गया है जैसे होता है। मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो कि ये मैं प्रमोशन के लिए नहीं कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल भी पैक्ड है, पूरी तरीके से पैक्ड है। और जब हम ऑनलाइन अब तो यूज़ टू हो गए तो हमें पता है कि पैक कहाँ से होता है। ये बिल्कुल यहाँ से सील होता है, ये बिल्कुल यहाँ से पूरी तरीके से सील्ड होता है, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि ये जो पैकिंग है वो बहुत टाइट की हुई है तो मुझे थोड़ा सा इसे फाड़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैंने दो कुर्ती मंगवाई, तीन कुर्तियाँ मंगवाई थी, एक साथ ऑर्डर की थी। और लाइमरोड की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि जैसे अपनी शो होता है वैसे ही प्रोडक्ट आपको हाथ में भी मिलता है, लेकिन ये बात है कि वो इतना टिकाऊ नहीं होता। अगर आप चाहोगे कि क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी हो तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्वालिटी इन द सेंस कि आप अगर चाहोगे कि मैं 1000 का कुर्ती ख़रीद रही हूँ या फिर 800 की कुर्ती ख़रीद रही हूँ, 1200 की, तो वो एक चले वैसा इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने XS साइज़ का मंगवाया है, तो आप देख सकते हैं इसके टैग में इसका साइज़ तो नहीं लिखा हुआ है, बट ये मुझे साइज़ बड़ा लग रहा है तो मैं चेक कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इसमें 1200 रुपये लिखे हुए हैं, 1300 रुपये लिखे हुए हैं, 1299, बट ये मुझे मिला है 639 में फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं कुर्ती को खोल रही हूँ और ये हम देख सकते हैं इसका मटेरियल इस टाइप का है, पीछे से ऐसा है। ये एक्चुअली है तो XS मैंने मंगवाया है, लेकिन ये मुझे
इस पे लिखा हुआ है ये एस है, मैंने एक्चुअली एक्स एस मंगवाया था साइज, जहाँ तक मुझे याद है एक्स, इसमें साइज़ तो नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स। साइज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तीनों ही कुर्ती एक्सेस साइज़ के मंगवाए थे। तो फ्रेंड्स ये मैंने इस टाइप का स्लीव्स था इसका, इसलिए मैंने ये मंगवाया था। आप देख सकते हैं इस टाइप के स्लीव्स हैं इसके, पर ये मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। ये आई गेस नेक भी इसका वी है, इस टाइप का नेक है। मुझे देखना पड़ेगा नेक किस टाइप का था उसमें, और अगर मटेरियल वाइज मैं कहूँ तो ओके टाइप से ये 400 तक का कुर्ती है, 400 तक का, जो कि मुझे 640 के आसपास पड़ा है। और ये एक्चुअली साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये इसके बॉटम में आप देख सकते हैं इस टाइप का था, इसके बॉटम में इस टाइप का था, ये बॉटम इसका इस टाइप का है, जो धोने के बाद शायद बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाए फ्रेंड्स। ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, और ऊपर से मुझे इसे फिटिंग भी करवानी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी साइज बहुत बड़ा है, मैंने एक्सेस मंगवाया था उस हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है ये, और काफ़ी लंबा भी है फ्रेंड्स, तो मुझे ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो शायद मैं इसे वापस कर दूँ। एक बार मैं पहन के ट्राई करूँगी, फिर मैं देखूँगी कि ये कैसा लग रहा है। तो इसका ओवरऑल लुक पहनने के बाद ही पता चलेगा, तो शायद ये मुझे इतना पसंद ना आए, क्योंकि ये यहाँ पे इस टाइप का है इसका बाजू, तो इसे फिटिंग करवाना शायद मुश्किल हो। देख लेती हूँ फ्रेंड्स, इसे मैं चेक करूँगी वापस से, और इसके अगले वीडियो में बताऊँगी आपको कि